कि हमारी नाभि और धरन, नाभि धरन अगर खिसक जाए, डिग जाए, खिसक जाए, बिगड़ जाए, तो उसको वापस कैसे अपनी जगह पर लाते हैं। तो उसके लिए हमें सबसे पहले अपने एक चटाई पर अथवा योगासन के मैट पर इस प्रकार से धीरे धीरे पीठ के बल लेट जाना होता है। नाभि धरन यदि खिसक जाए, डिग जाए, बिगड़ जाए नाभि, तो यहाँ तो दस्त होने लगते हैं, या कब्ज हो जाता है, या पेट में दर्द होता है, किसी भी प्रकार की समस्याएं पेट से जुड़ी हुई होने लगती है, अनईजी लगता है। तो इन सब समस्याओं का कुछ ना कुछ पकड़ने का एक पारंपरिक अंदाज भी है कि कैसे इसको पकड़ते हैं। तो अगर आप पकड़ लेवें और उसके बाद आपको पता लग जाए कि ये नाभि खिसकी हुई है, डिगी हुई है धरन, तो फिर कैसे उसको ठीक करेंगे? तो दोनों पैरों को हम पास में कर लेंगे, दोनों हाथों को इसी प्रकार पैर जमीन पर लगा के रखें, श्वास पूरा अंदर भरें और दोनों पंजों को ऊपर धीरे धीरे उठाएं, पैरों को उठाएं 30 to 45 degree, 30 से 45 degree तक हमें इसको पैरों को रोकना है और सामने की ओर खींचना है और रोक कर रखना है, होल्ड करके रखना है और नाभि पर मन को टिकाना है। फिर जितनी देर आप होल्ड कर सके उतनी देर, ठीक है? फिर धीरे धीरे सांस बाहर छोड़ते हुए स्लोली स्लोली डाउन। इसी प्रकार से एक बार फिर से कर रहे हैं। इस आसन को आपको 3 से 5 बार करना है। हम आपको 2 बार प्रत्येक आसन को करके दिखा रहे हैं। पंजों को सामने की ओर खींचें, थोड़ी देर रोकें और धीरे 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 वापस लाएं। नाभि पर मन को टिका के रखना है कि मेरी नाभि ठीक हो रही है, अच्छी हो रही है। अब हम दूसरा इसी में अभ्यास देख रहे हैं। इसको आप 3 से 5 बार करिएगा, 15 15 20 20 सेकंड तक रोक के रखिएगा, आधा आधा मिनट भी रोक सकते हैं। दूसरा अभ्यास, एक पैर को उठा करके दूसरी जंघा पर लेकर आना है, और जैसे जंघा पर लाएंगे तो इसको पकड़ लेंगे उस पैर को, और इस घुटने को जमीन से लाने की कोशिश करें, लगाने की कोशिश करें, खींच करके लगेगा, और जैसे ही ये लगेगा तो नाभि खींचेगी उससे और नाभि की धड़कन वापस अपनी जगह आ जाएगी। देखो कैसे प्रयास करके अपने घुटने को जमीन से लगा रही हैं बार बार। योग थेरेपिस्ट दीप्ति जी हमारे साथ में आ जाएं, दीप्ति फिटनेस मंत्रा की MD, दौलाबाटा अजमेर में आपका दीप्ति फिटनेस मंत्रा चलता है, जो योग सिखाने का सेंटर है। अब हम दूसरे पैर से इसी को करेंगे। आप दर्शकों में भी यदि कोई अच्छा योग सिखाना जानते हैं तो स्वामी न्यूज से आप संपर्क करें, आपको भी इस मंच पर हम अवसर देंगे। इसको लगा करके थोड़ी देर रोक के रखेंगे, घुटने को जमीन से लगा कर रखें, दबा के रखें और फिर धीरे धीरे वापस आ जाए। ये दूसरी क्रिया हमारे जो है धरन के लिए, नाभि के लिए हमने सीखी। तीसरी क्रिया जिसको हम नौकासन कहते हैं, उस नौकासन का अभ्यास करने के लिए दोनों पैर पास में, दोनों हाथों को हम सांस भर के पीछे की ओर ले गए और अब धीरे धीरे पूरा श्वास भर लेंगे, और पूरा श्वास भरने के बाद अपने शरीर को ऐसे नाव की तरह से बनाएं, पैरों को और ऊपर के हिस्से को दोनों को बराबर बराबर उठाएंगे इस प्रकार से, और नाभि पर अपना मन टिका के रखें कि हमारी नाभि की धड़कन वापस अपनी जगह पर आ रही है। धीरे धीरे वापस छोड़ दें, रिलैक्स हो जाएं। फिर से एक बार इसी अभ्यास को हम कर रहे हैं। सांस भरते हुए हाथों को पीछे ले जाएंगे, श्वास बाहर छोड़ें, पूरा श्वास बाहर फेंकें और ऐसे नाव की तरह से अपनी आकृति बनाएं, बार बार प्रयास करते रहें और अपने श्वास को बाहर ही रोक कर रखें और अपनी नाभि की धड़कन पर, नाभि पर मन को केंद्रित कर लेंगे, टिका लेंगे। फिर धीरे धीरे आप थक जाएं तो नीचे ले आए, फिर हाथों को कमर के पास करके और पैरों को थोड़ा फासला देके आराम कर लेंगे, लंबे लंबे श्वास, शरीर ढीला छोड़ देंगे। तो पीठ के बल हमारे 3 अभ्यास हो गए। ये तीसरा अभ्यास था नौकासन। जब फिर से एनर्जी आ जाए, फिर से ताकत ताकत आई जाएगी, तो हम
पेट के बल आ जाएंगे, पेट के बल आ जाएंगे। अब पेट के बल हमारे सबसे पहला जो आसन होता है वह है भुजंग आसन। दोनों परिस्थितियों वाला होगा, दोनों ही पोजीशन वाला होगा। दोनों हाथों को इस प्रकार से कंधों के थोड़ा नीचे की ओर लाते हैं, ऐसी पोजीशन बना दें जैसी अभी दीप्ति जी ने बना रखी है, और फिर धीरे धीरे श्वास को भरें और धीरे धीरे आगे का हिस्सा नाभि से ऊपर ऊपर का हिस्सा हम उठाएंगे और थोड़ी देर रोकेंगे। वहीं रोक कर रखें, मन को नाभि पर टिका के रखें। लगातार इसमें रुके रहेंगे। और फिर धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। इसी प्रकार से इसको आप दो बार कर लीजिएगा। और इसके बाद हम दूसरे आसन को कर रहे हैं, जो भुजंग आसन में दूसरा आसन है, पूर्ण भुजंग आसन। श्वास पूरा भरें और धीरे धीरे आगे से उठें। पैर पंजे बिल्कुल खींचे हुए, पैर पीछे पास में, अपना पूरा ध्यान केंद्रित कर रहे हैं हम आंखें बंद करके, और ध्यान केंद्रित कर रहे हैं अपने नाभि पर। थोड़ी देर रोकें और मन में ये विचार करें कि ये जो नाभि की धड़कन अपने स्थान से खिसक गई है, ये वापस मेरे नाभि के स्थान पर आकर के एक अच्छा पाचन तंत्र वापस हमें प्रदान कर रही है। फिर धीरे धीरे श्वास बाहर छोड़ते हुए आरामदायक स्थिति। इसमें बालासन में हम आराम कर सकते हैं, यदि आप थक जाएं दो दो बार दोनों आसन करके, चार आसन हो जाते हैं तो व्यक्ति थक जाए तो बालासन। और ये बालासन इसमें इस प्रकार से भी होता है, इसको शशक आसन भी बोलते हैं। इस प्रकार से आप आराम भी कर सकते हैं। बिल्कुल आरामदायक स्थिति में वापस आ जाएं श्वास भरते हुए। अभी हम वापस आएंगे तो विपरीत नौकासन या फिर हम नवासन जिसको कहते हैं उसको हम करने वाले। पेट के बल फिर से लेट जाएंगे। अभी हम दो आसन आपको और दिखाने वाले नाभि धरण के लिए। तो पहले नवासन है भुजंगासन, हमने देखा आराम के लिए बालासन शशकासन देखा, अभी हम नवासन या फिर विपरीत नौकासन का अभ्यास देख रहे हैं। श्वास भरें और धीरे धीरे ऊपर की ओर उठाएं, खींच कर रखें शरीर को, नाभि पर मन को रखें, सामने दृष्टि। थोड़ी देर रोकें और फिर धीरे धीरे वापस आ जाएं। हर आसन में हमें थोड़ी देर रोकना होता है, जल्दी जल्दी वापस नहीं आना होता। इसको एक बार फिर से देख लेते हैं। श्वास पूरा भर के नाभि हमारे शरीर का आधार होती है, संतान जन्म भी लेता है ना, लेती है ना, तो फिर नाभि से ही उसका पोषण होता है। इस प्रकार से हमने ये किया। अब हम अंतिम आज का जो आसन है उसको हम कर रहे हैं, वह आसन धनुरासन कहलाता है। ये दो प्रकार से हो जाता है, पहला टखनों से पकड़ के, फिर पैरों के पंजों को पकड़ के। जिनको हर्निया की प्रॉब्लम हो उन लोगों को यह धनुरासन नहीं करना है। श्वास पूरा भरें और भर करके धीरे धीरे खींचे, उठाएं उठाएं उठाएं, धनुरासन की स्थिति में अपने शरीर को लाने का प्रयास करें। और धीरे धीरे वापस आ जाएं। दूसरे प्रकार से भी धनुरासन करें एक बार, फिर से श्वास भर लेंगे और धीरे धीरे उठाएं। वापस आ जाएंगे धीरे धीरे। मकर आसन में लेट जाएं, मकर आसन आरामदायक स्थिति। धीरे धीरे वापस आ जाएंगे और शव आसन में लेट करके अपनी सारी थकान को दूर कर लीजिए।
पीठ के बल शव आसन, थोड़ा और नीचे हो जाएं अपने मैट पर और पूरे शरीर को धीरे धीरे ढीला छोड़ते चले जाएं। पैरों में 1-1.5 फीट का फासला, आंखें बंद, गर्दन, सिर, कंधे सब ढीला छोड़ दें। हथेलियां कमर से थोड़ी दूरी पर और आकाश को देखते हुए हथेलियां। शव आसन का अभ्यास, हमें इतने सारे आसनों के बाद जब थकान दूर करनी है तो हमें शव आसन का अभ्यास करना है। आंखें बंद पूर्णतः शांत शिथिल कर लेंगे, कोई हलचल नहीं। इतनी जो हलचल अलग अलग आसनों के द्वारा हमारे शरीर में हुई है, उस हलचल को अपनी नाभि पर अनुभव करें और ऐसा अनुभव करें कि मेरी नाभि पूरी तरह से एक स्वस्थ, एक अच्छी स्थिति में आ चुकी है। ऐसे 5-7 मिनट आप आराम कर लीजिए। आज हमें तो केवल कार्यक्रम में आपको संकेत करना होता है, इसीलिए आपको हमने धीरे धीरे और थोड़ी थोड़ी क्रियाएं बताई हैं। तो आज के इस सत्र को हम विराम की तरफ लेते परमात्मा का धन्यवाद करने के लिए, शांति पाठ करने के लिए बैठ जाएंगे। और ये योगाभ्यास यदि आप रोज करेंगे तो आपकी नाभि खिसकेगी ही नहीं, डिगेगी नहीं, धरन आपकी बिगड़ेगी ही नहीं, आप बिल्कुल ठीक ठीक चलते रहेंगे। आप प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर की अगर गणित को, इस स्टडी को मानते हैं, तो निश्चित रूप से आप नियमित रूप से योग करेंगे और आप स्वस्थ बने रहेंगे, आपके आरोग्य में कोई कमी नहीं आएगी। स्वस्थ करें योग, रहें निरोग। ओम शांति 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 सर्वेभ्यो नमः। तो आज के रविवार के सत्र में आज इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत। कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद।